अजमेर में पेटीएम केवाईसी के नाम पर लगातार ऑनलाइन ठगी की वारदातें सामने आ रही हैं। बदमाश हर उस शख्स को निशाना बना रहे हैं जिन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए पेटीएम की केवाईसी अपडेट करानी है। इसी सिलसिले में बदमाशों ने अजमेर के आरजेएस को भी निशाना बनाया है और उनके खाते से 83,000 रुपए निकाल लिए गए। शहर में वर्ष 2020 के पहले महीने में विभिन्न स्थानों से थानों में 20 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। अजमेर के सिविलाइज थाने में आरजेएस गोविंद अग्रवाल ने अपने कर्मचारी महेंद्र द्वारा मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित के अनुसार उन्होंने ओएलएक्स पर पुराना ब्रांड खरीदने के लिए मैसेज किया तो वहां से तुरंत रिप्लाई आया और ब्रांड की कीमत भी तय कर ली गई और कुछ देर में ही रुपए पेटीएम कराने की बात कही गई, लेकिन आरजेएस अग्रवाल ने केवाईसी अपडेट नहीं की थी तो बदमाशों ने केवाईसी अपडेट कराने के लिए एक लिंक शेयर किया जिसे डाउनलोड करने पर तमाम जानकारी बदमाशों के पास पहुंच गई और उन्होंने दो अलग अलग दिन 83,000 रुपए निकाल लिए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने तुरंत मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। दिनांक 27/1/2020 को परिवादी श्रवण सिंह रावत निवासी लाडपुरा ने लिखित तहरीरी रिपोर्ट लाकर के थाने पे पेश की, जिसके ओलेक्स के आधार पे उनके फ़ोन पे कोई फ़ोन आया था, उसको डाउनलोड करते ही 25 एवं 26 दो दिनों में 83,000 रुपये उनके खाते से निकल गए। इस पर प्रकरण दर्ज करके तफ्तीश के सारांश सब इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है। नहीं बताए ना आपको भी उनके ओलेक्स के ऊपर कोई फ़ोन आया, वो ओलेक्स के लिए आया था कि भाई कोई पुराना घरेलू बैंड बेचने के लिए उनसे बात की थी और उन्होंने अपना पेटीएम नंबर बताया। उस पेटीएम नंबर को डाउनलोड करते ही उनके खाते से 25 और 26 दो दिन के अंदर है तो 83,000 रुपये निकल गए। सिविल लाइन में एक मामला दर्ज हुआ है, इसमें कार्रवाई की है। देखिए सिविल लाइन्स में भी जो प्रकरण दर्ज हुआ है उसमें ओएलएक्स पर परचेज को लेकर के फोर्जरी की गई है, जिसमें कि कोई सामान दिखा करके ओएलएक्स पर सामान खरीदने और बेचने की एक वेबसाइट होती है ओएलएक्स, उस पर जो भी खरीद परचेज करनी होती है उसके लिए व्यक्ति कम्युनिकेट करता है सामने वाले व्यक्ति से, और इस तरह की कुछ गैंग्स हैं जो हमारे निगाह में पहले से ही हैं, कुछ गैंग पकड़ी भी गई हैं। तो अभी प्राइम एफएसआई हमें यही समझ में आ रहा है कि उस गैंग ने फोर्जरी करके गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और ये पैसों का ट्रांजेक्शन किया है। लगभग 83,000 के आसपास की रकम है जो कि उन्होंने इसमें फोर्ज की है। अजमेर में लगातार एक से दो मामले शहर के विभिन्न थानों में केवाईसी अपडेट के नाम पर हो रही ऑनलाइन ठगी के दर्ज किए जा रहे हैं। इस पर अजमेर एसपी कुंवर राजदीप ने कहा कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिस पर पुलिस की नजर बनी हुई है, जिसमें कुछ गैंग को चिन्हित भी किया गया है और इससे पहले भी इस तरह की गैंग पकड़ी गई है। पुलिस जल्द ही इस मामले में खुलासा करेगी जिससे कि लोगों की रकम को हड़पने वाले सामने आ सके, लेकिन उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि वह किसी भी तरह की जानकारी बदमाशों से शेयर ना करें। देखिए पेटीएम की केवाईसी को लेकर के इनफैक्ट जो भी इस तरह के वॉलेट हैं उन वॉलेट्स की केवाईसी करानी होती है हर व्यक्ति को। केवाईसी कराने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में अगर गलत लिंक किसी के द्वारा भेजा गया हो उस पर क्लिक करके व्यक्ति केवाईसी कराने की कोशिश करता है तो उसकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी शेयर हो जाती है और उसके बाद में उस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज करके व्यक्ति पैसा निकाल सकता है। तो जब भी ऐसी कोई केवाईसी आप कर रहे हो तो इस बात को इंश्योर करें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो प्रॉपर चैनल से हो रहा हो, कहीं गलत लिंक पर नहीं हो रहा हो, क्योंकि नॉर्मली किसी को भी इतना डिटेल में पता नहीं होता है कि हमें किस तरीके से इस प्रोसेस को करना है और उस प्रोसेस के करने में छोटी सी गलती जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह से किसी गलत हाथों में लग जाती है। कुछ घटनाएं हैं जो हमारे सामने आई हैं, हम उसमें जांच करके जो भी उचित कार्यवाही है वो शुरू कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी ही हमें पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं। पेटीएम की केवाईसी अपडेट कराने पर हो रही लगातार ऑनलाइन ठगी की वारदातों को लेकर शहर के लोगों में रोष व्याप्त है और सभी पुलिस पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन अजमेर एसपी ने कहा कि इस तरह की वारदात से पहले व्यक्ति को सतर्क रहने की जरूरत है और किसी भी ऑनलाइन काम से पहले सावधानी जरूरी है, अन्यथा आप अगर किसी को अपने बैंक व अन्य खातों की जानकारी देंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा।